हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से एक और समस्या देखने को मिल रही है और वो है मिथाइल मर्करी टॉक्सिन। मछलियों के अंदर मिथाइल मर्करी यानी ये एक यौगिक है पारे का, मर्करी का, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पिछले 50 सालों में जो स्टडी हुई है जलवायु परिवर्तन की, उसमें इसका क्या योगदान रहा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें मैं बता दूं, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। एक होता है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि समय के साथ हमारे शरीर में अगर हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर कीटनाशक हैं मान लीजिए, या किसी भी तरह का जहर है, तो समय के साथ हमारे शरीर में वो चीज़ बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले अगर हमारे शरीर में 10% था, फिर 20% हुआ, फिर उसके बाद 30-40%, यानी एक ही ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में धीरे धीरे जब पॉइजनस चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर होता है ये। जैसे जो बहुत छोटे कीड़े होते हैं उन्हें मछली खाती है, तो अगर छोटे कीड़ों के अंदर कोई पॉइजनस चीज़ें हैं, जहरीली चीज़ें हैं उनके शरीर में, तो वो मछली के शरीर में आ जाएंगी। मछली को फिर किसी बड़े जानवर ने खाया, जैसे यहाँ पे सील, तो मछलियों के शरीर में जो पॉइजनस चीज़ें हैं वो सील की बॉडी में आ जाएंगी और ज़्यादा ही आएंगी, क्योंकि एक जो सील है वो बहुत सारी मछली खा रही है, तो बहुत सारी मछलियों का सबका जो वो पॉइजनस जो केमिकल है वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। और सील को फिर कोई पोलर बियर खाएगा मान लीजिए, तो वो एक से ज़्यादा सील को खाएगा तो इसकी बॉडी में और ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये है एक्यूमुलेशन, राइट, ये एक्यूमुलेशन दिखा रहा है पॉइजनस चीज़ों की। तो यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन मतलब जब एक ही लेवल के ऊपर, एक ही लेवल मतलब यहाँ पे ये सेम मछली है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे इसके शरीर में जो ये चीज़ें हैं ये इकट्ठी हो रही हैं। अब अगर ये मछली मान लीजिए आप खा लेते हैं, अगर कोई मछली खाने वाला मानव है वो इसको खा लेता है तो मानव के शरीर में आ जाएगी वो चीज़, तो फिर उसको हम बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। अगर उसी के शरीर में इकट्ठी होती जा रही है तो हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। ये क्लियर है? अब पहले ये समझते हैं कि मर्करी को कंट्रोल करने के लिए, मर्करी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, नियामक हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने मर्करी को कंट्रोल करा है, ये जानते हुए कि मर्करी कितना डेंजरस है और वास्तव में इससे फ़ायदा हुआ है। अगर आप देखें 1970 से लेके और 2010 तक, तो लगातार मर्करी हमारे वातावरण में कम हुआ है, हमारे समुद्र में, पानी में मर्करी की मात्रा कम हुई है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था कि मर्करी बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीला है। तो एक जगह है अमेरिका में जहाँ पे ये रिसर्च किया गया है, उस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ मेन। गल्फ ऑफ मेन ये जो उत्तर अमेरिका है उसके ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है ये गल्फ ऑफ मेन। तो यहीं पर रिसर्च क्यों किया गया? क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, समुद्र का पानी जो है वो गर्म हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्रों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण दो फर्क पड़ रहे हैं समुद्रों पे। एक, समुद्र का पानी गर्म हो रहा है क्योंकि हमारा वातावरण ही गर्म हो रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारे समुद्र का पानी अम्लीय हो रहा है यानी एसिडिक हो रहा है। तो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन और वार्मिंग ऑफ ओशियन, ये दो फर्क हैं क्लाइमेट चेंज के, और ये चीज़ें गल्फ ऑफ मेन में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रिसर्च जो है ये आँख खोल देने वाला रिसर्च है। इसमें यह देखा गया कि मान लीजिए हमारे वातावरण में मर्करी कम हो रहा है, 1970 से लेकर 2010 तक लगातार हमारे वातावरण में मर्करी कम हुआ, तो मछलियों के अंदर तो कम मिलना चाहिए फिर, राइट, क्योंकि जब वातावरण में कम हो रहा है और यही मर्करी फिर जब हमारे वातावरण में जाएगा, फिर बारिश जब होगी तो फिर ये समुद्र में जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं हमारे जो समुद्र हैं वो एसिडिक क्यों हो रहे हैं, अम्लीय क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाता है H2O, और ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, और वो कार्बोनिक एसिड समुद्र में जाता है और उसे अम्लीय बनाता है, राइट। इसी तरह से मर्करी जो है, अगर मर्करी वेपर फॉर्म में यानी भाप के फॉर्म में जब वातावरण में जाता है तो बारिश जो है वो उसे फिर से समुद्र में धकेल देती है। लेकिन अगर मर्करी कम हो रहा है, इसका मतलब समुद्र में मर्करी की मात्रा कम हो रही है, उसके बाद भी मछलियों में मर्करी ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो इसके दो कारण हैं। एक तो है ओशियन वार्मिंग, समुद्र का गर्म होना, और दूसरा है डाइटरी शिफ्ट, यानी जो मछलियाँ खाती हैं उनकी डाइट चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि
मरकरी वातावरण में कम होने के बाद भी मछलियों के अंदर ज्यादा क्यों हो रहा है? इसके दो कारण इन्होंने रिसर्च किया जो गल्फ ऑफ मेन में, उसमें दो कारण नजर आए, एक तो क्लाइमेट चेंज और एक ओवर फिशिंग। क्लाइमेट चेंज और ओवर फिशिंग। मरकरी एमिशन जैसा मैंने बताया पूरी दुनिया में कम हो रहा है, राइट, लेकिन ओशियन के गर्म होने की वजह से मछलियों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना खान पान बदल दिया है। इस रिसर्च में जो किया गया बहुत बड़े लेवल पे किया गया, ये 30 साल का रिसर्च है, तो दो मछलियों के ऊपर किया गया। एक मछली है कॉड मछली, COD कॉड, आपने कॉड लिवर ऑयल सुना होगा जिससे हमें विटामिन ए मिलता है, ये वही मछली है कॉड। तो कॉड मछली दुनिया में बहुत खाई जाती है। और दूसरी मछली है स्पाइनी डॉग फिश, स्पाइनी डॉग फिश। इन मछलियों के ऊपर जो रिसर्च किया गया उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, पर पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो मरकरी है वो हमारे वातावरण में आता कहाँ से, यानी मरकरी एमिशन कहाँ से होते हैं। खास तौर पे इनऑर्गेनिक मरकरी, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जैसे कोयले का जलना या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से जो धुआं निकलता है उसके अंदर भी मरकरी होता है। और मरकरी एक बार वातावरण में जाता है तो जो रेन है, जो बारिश है, वो उसको अर्थ के सरफेस पे दोबारा ले आती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरकरी को उसके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी। और ये मिथाइल मरकरी जो है ये ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है उससे चिपक जाता है, और जो छोटे छोटे जीव जब अपना भोजन करते हैं तो ये उनके बॉडी में जाके फैट के अंदर स्टोर हो जाता है। और जैसे जैसे फूड चेन जो होती है उसमें ऊपर आप जाओगे तो मिथाइल मरकरी की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। मान लो अगर मछली के अंदर मिथाइल मरकरी आ गया तो इस मछली को जो खाएगा यानी मानव, उसके अंदर भी मिथाइल मरकरी आ जाएगा। तो फूड चेन में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में सबसे पहले होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पौधे जिन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन, ठीक है, यह आपने सुना होगा, मैरीन लाइफ आपको पता होगा। फाइटोप्लैंकटन होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पौधे समुद्र के अंदर, फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन होते हैं बहुत ही छोटे छोटे एनिमल समुद्र में। जूप्लैंकटन को खाती हैं छोटी मछलियां, छोटी मछलियों को खाती हैं बड़ी मछलियां, और फाइनली बड़ी मछलियों को खाता है मानव यानी कि पीपल। तो ये जो एक्यूमुलेशन होता रहता है ये डेडली हो सकता है, किसकी वजह से, बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। मिथाइल मरकरी एक बार मानव के शरीर में आ जाए तो उससे हमारा दिमाग डैमेज हो सकता है, हमारा पाचन तंत्र डैमेज हो सकता है, कॉग्निटिव डैमेज हो सकता है यानी सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। मरकरी के एमिशन लगातार कम हो रहे हैं। अगर 1990 से 2010 तक की भी मैं बात करूं तो लगातार ये जो है मरकरी के एमिशन कम हो रहे हैं, खास तौर पे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में। इससे यह पता चलता है कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा सुझाए गए जो प्रयास हैं वो सफल रहे हैं, और ये जो कंट्री हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट कर दी है इंडस्ट्रीज, उसकी वजह से मरकरी कम हो रहा है। अब आते हैं इस रिसर्च के ऊपर। देखो, गल्फ ऑफ मेन जो है उसमें ये देखा गया दो तरह की मछलियां हैं, कॉड और स्पाइनी डॉगफिश। इनके इनके शरीर में ये देखा गया कि मिथाइल मरकरी की मात्रा जो है वो बढ़ी है 30 सालों में। कैसे बढ़ी है? ऐसे बढ़ी है कि ये जो मछलियां हैं ये खाती क्या थी, ये मछलियां खाती थी हेरिंग, यानी कि जो कॉड मछली है वो भी और जो डॉग फिश है वो भी, ये हेरिंग इनका भोजन था। हेरिंग एक छोटा एनिमल होता है समुद्र में। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि 1970 के आसपास हेरिंग की पॉपुलेशन समुद्र में कम हो गई, ठीक है, 1970 के आसपास हेरिंग की पॉपुलेशन कम हो गई, यानी इसकी पॉपुलेशन कम हो गई तो कॉड और डॉगफिश में कंपटीशन हो गया, क्योंकि दोनों का भोजन है हेरिंग। तो दोनों ने क्या किया, अपना भोजन बदल लिया, क्योंकि हेरिंग बहुत कम हो गया तो पहले तो जो बचा खुचा हेरिंग था इन्होंने खा लिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना भोजन जो है वो बदल लिया। जब इन्होंने अपनी डाइट बदली तो किसने क्या खाना शुरू कर दिया, कॉड मछली ने हेरिंग की बजाय खाना शुरू कर दिया लॉबस्टर को, लॉबस्टर। लॉबस्टर के शरीर में मरकरी की मात्रा कम थी, ठीक है, तो कॉड मछली में यह देखा गया कि अगले 30 सालों के अंदर कॉड मछली के शरीर में मिथाइल मरकरी रिलेटिवली उसमें इजाफा कम हुआ। डॉगफिश ने खाना शुरू कर दिया स्क्विड को, और जो स्क्विड होते हैं इनकी बॉडी में मरकरी की मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए डॉगफिश जो है अगले 30 सालों में 1970 से लेकर 2000 तक उसकी बॉडी में मरकरी की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी। यानी अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं आपको, हमने क्या देखा 30 सालों के अंदर, हमने ये देखा कि हमारे जो समुद्र है उसका टेम्परेचर बढ़ा, यानी 1°C एवरेज टेम्परेचर बढ़ा हमारे समुद्रों का, ठीक है, और जो मरकरी एमिशन है उनमें 20% कमी आई, क्योंकि रेगुलेशंस थे बहुत सारे, तो इंडस्ट्रीज जो है वो मरकरी का उत्सर्जन नहीं कर सकती थी, तो मरकरी में कमी आई, हमारे समुद्र के पानी में भी मरकरी में कमी आई।
लेकिन उसके बावजूद जो कॉड मछली है उसके अंदर मिथाइल मर्करी की मात्रा बढ़ी 10% और स्पाइनी डॉगफिश के अंदर मर्करी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी 20%। अब इसका कारण क्या था? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं वातावरण में किसी चीज का उत्सर्जन कम कर दूं तो इसका मतलब एनिमल्स के अंदर भी वो चीज कम जाएगी? नहीं, क्योंकि हमने देखा मिथाइल मर्करी वातावरण में भी कम हुआ, मर्करी जो है वो वातावरण में भी कम हुआ और मिथाइल मर्करी समुद्र में भी कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद जानवरों में उसकी मात्रा बढ़ी। तो हमें समझना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है और क्यों बढ़ी। अब सवाल आता है दूसरा, क्यों बढ़ी? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है समुद्र का गर्म होना। जब समुद्र गर्म होता है तो मछलियों का जो सबसे पहली चीज़, उनका भोजन बदल जाता है, यानी मछलियाँ जो चीज़ नॉर्मली खाती हैं वो नहीं खाती। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण हेरिंग की संख्या कम होने लगी तो मछलियों ने अपना भोजन बदल लिया। अब जो वो नई चीज़ खा रही है उसके अंदर मर्करी की मात्रा ज़्यादा है तो इनके शरीर में भी मर्करी की मात्रा बढ़ गई। दूसरा कारण, जब समुद्र गर्म होता है तो मछली का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, यानी मछली जो है उसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो ज़्यादा खाएगी। ज़्यादा किस चीज़ को खाएगी? जिस चीज़ को भी खा रही है उसके अंदर थोड़ा बहुत मर्करी है, तो अगर ज़्यादा कंज्यूम करेगी तो वो मर्करी जिस चीज़ को खा रही है उससे मछली के शरीर में भी आ जाएगा। तो ये था रिसर्च, यानी कि कार्बन एमिशन या मर्करी एमिशन या किसी भी चीज के उत्सर्जन को रोकना ही काफी नहीं है, जलवायु परिवर्तन को भी रोकना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक मछली होती है टूना, और टूना बहुत ज्यादा खाई जाती है। मतलब इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने जो मई के अंदर एक स्पेशल दिवस टूना मछली के लिए रखा, इतनी ज्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट मछली है ये। ऐसा देखने को मिल रहा है कि ट्यूना मछली के अंदर भी मिथाइल मर्करी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये जो मछली है ये तो उस तरह की मछली नहीं है कि बहुत ऊंचे ट्रॉफिक लेवल पे आती है। ऊंचे ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो को जू प्लैंक्टन खाता है, जू प्लैंक्टन को छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली। तो बड़ी मछली के शरीर में अगर मिथाइल मर्करी की मात्रा बढ़ रही है वो तो समझ में आता है, यानी कि कॉड मछली और डॉगफिश के शरीर में बढ़ रही है वो तो समझ में आता है, लेकिन एक छोटी मछली टूना जैसी उसके शरीर में भी अगर मिथाइल मर्करी की मात्रा बढ़ रही है तो उसका क्या कारण है? क्या ये है कि वो उसने अपना भोजन बदल लिया और इस वजह से जिस चीज़ को अब वो खा रही है उसके शरीर में मर्करी ज़्यादा है? नहीं, ट्यूना मछली के शरीर में मर्करी की मात्रा इसलिए बढ़ी क्योंकि समुद्र के गर्म होने की वजह से इस मछली की एक्टिविटी बढ़ गई। इस मछली को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत महसूस होने लगी तो इसने ज़्यादा खाना शुरू किया और उसमें मर्करी ज़्यादा एक्यूमुलेट होता गया। यानी अलग अलग मछलियों में अलग अलग कारण भी देखे गए। मर्करी की मात्रा को रोकने के लिए भारत ने भी मीनामाटा कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। इनफैक्ट भारत ने 2018 में इसको साइन किया था, मार्च 2018 में। तो मीनामाटा कन्वेंशन ये है कि यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी है जो इसके मेंबर्स को रोकती है मर्करी एमिशंस को ना करने से, यानी मर्करी एमिशंस कम करने के लिए प्रेरित करती है। जो भी मीनामाटा कन्वेंशन को साइन करेगा उस कंट्री को मर्करी का रिलीज, मर्करी का उत्सर्जन रोकना पड़ेगा वातावरण में। और इसका नाम मीनामाटा कन्वेंशन इसलिए रखा गया है क्योंकि मर्करी के कंजम्पशन से एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं मीनामाटा। जापान का एक शहर था मीनामाटा, वहां पे एक बार मर्करी पॉइजनिंग हुई थी, उसके बाद यह नाम पॉपुलर हो गया था। तो मीनामाटा कन्वेंशन भी कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। एक और केमिकल है जो मिथाइल मर्करी के अलावा न्यूज में आ रहा है वो है फॉर्मेलिन। ये बहुत न्यूज में था, पिछले पूरे साल न्यूज में रहा फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो है वो एक परिरक्षक का काम करता है, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, यानी मछली जो है उसको ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उसको इस केमिकल में डुबा के रखा जाता है फॉर्मेलिन में। लेकिन फॉर्मेलिन से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? फॉर्मेलिन से कैंसर हो सकता है और लोगों को हो रहा है। फॉर्मेलिन से आदमी मर भी सकता है। अगर मान लो 30 ml फॉर्मेलिन का सोल्यूशन है तो उससे अगर उसको कंज्यूम कर ले तो वो एडल्ट को मार सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाती है कई बार फॉर्मेलिन में, और फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हो सकता है। इससे आंखें खराब हो सकती हैं, लोग अंधे हो सकते हैं, नोजिया, इरिटेशन, वॉमिटिंग, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे रोग हो सकते हैं फेफड़ों के, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और किडनी और लिवर फेल हो सकते हैं। तो फॉर्मेलिन भी बहुत न्यूज़ में आया था। इनफैक्ट भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने फॉर्मेलिन को बैन कर दिया था कि अगर आप फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करोगे मछली को फ्रेश रखने के लिए तो हम वो मछली नहीं खरीदेंगे। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल भारत में कई जगह होता है, जैसे केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, बंगाल में होता है। तो फॉर्मेलिन इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये था हमारा वीडियो। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी आज के टाइम में समस्या है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का उत्सर्जन रोकते हैं सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, वरना हमारी सारी जो एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो फ्यूटाइल हो जाएंगी। इसका जीता जागता उदाहरण है मिथाइल मर्करी टॉक्सिन। मिथाइल मर्करी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? मर्करी का उत्सर्जन कम कर देंगे, लेकिन वो भी सफिशियंट नहीं है।
तो भी मछलियों में मिथाइल मरकरी बढ़ रहा है, और इस तरह की मछलियां अगर मानव कंज्यूम कर ले तो आप समझ सकते हैं कितने वैसे परिणाम होंगे, उसके दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर होंगे। सो ये था हमारा वीडियो मिथाइल मरकरी टॉक्सिन। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं स्टडी आईक्यू के दूसरे वीडियोज में। थैंक यू सो मच।